हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति भी आने वाली है और ठंड भी चल रही है ऐसी सर्दियों में, और मकर संक्रांति में मार्केट में मिलते हैं बहुत ज़्यादा पीनट्स के लड्डू, चने की दाल के लड्डू और ये वो तिल होती ना उनके लड्डू। तो चलिए बना लेते हैं, आज हम बनाएंगे मूंगफली के लड्डू। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 3 कप मूंगफली। आप कोई भी कटोरी या कप से मेज़र कर सकते हैं, उसी से आपको गुड़ को मेज़र करना है और उसी से मूंगफली को। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है गुड़ और 3 कप लिया है मूंगफली। पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे, कोई तेल कोई घी नहीं डालेंगे, हल्की फ्लेम पर स्लो स्लो इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें मूंगफली को तब तक रोस्ट करना है जब तक मूंगफली में से आवाज़ नहीं आने लगती चटकने की, और स्मेल भी करने लगती हैं, बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है भुनी मूंगफली की जैसी। तो और हम थोड़ा सा एक दाना लेंगे, छिलका निकाल के देखेंगे, छिलका निकल रहा है इजली, तो फिर हमारी मूंगफली परफेक्टली रोस्ट हो गई हैं। हम इनको किसी बर्तन में निकाल लें, ठंडा होने के लिए छोड़ना है तो हम एक कपड़े पर निकालते हैं। इसके नीचे प्लेट रखी है और कपड़े पर निकाल कर हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे जिससे वो ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडे होते हैं हम इनको मसल कर देखते हैं कि इनसे छिलका आसानी से निकल रहा है। हम छिलका निकालने के लिए कई ट्रिक अपना सकते हैं। ऐसे कपड़े को चारों तरफ से पोटली की तरह बना लीजिए और मसलिए दानों को, ऐसे भी निकल जाएंगे। हल्का सा ठोकते हैं तब भी निकलेंगे, या हथेलियों के बीच रब कीजिए दानों को तब भी छिलके निकल जाएंगे। आप टोटली इनके छिलके को निकालना है और रिमूव करके 2 पीसेस में तोड़ लेना है पीनट्स को। और हमने छिलके निकाल लिए हैं तो अब हम चलते हैं गुड़ को मेल्ट करते हैं। हमें यहाँ गुड़ को मेल्ट करके छानना है, तो हम गुड़ के साथ इसमें पानी डालेंगे। पानी लगभग हमने 1/2 कप जितना डाला है, और इसको चलाते हुए हम इसको पूरी तरह से मेल्ट करेंगे। जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको छान लेंगे। ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है तो हमने इसको छाना है। बहुत इम्प्योरिटी निकलती है गुड़ में, आपको छान के ही बनाना चाहिए। मैंने दोबारा भी छान लिया है और सेम कढ़ाई में डाल के इसको गाढ़ा कर लिया है। हाई फ्लेम पर आप गाढ़ा कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाइए। और जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपको चेक करना है कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है लड्डू बनाने लायक। तो आप पानी में इसकी कुछ बूंदे डाल के आप चेक कर सकते हैं। ये अभी सॉफ्ट गोली बन रही है इसलिए हमें थोड़ा सा और चलाना है, लगभग 2 मिनट। 2 मिनट और पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे पीनट्स अपनी। तो हमने पीनट्स बिल्कुल साफ़ कर ली थी और 2 पीसेस में कर लिया था इनको। अब वही पीनट्स हमने सारी डाल दी हैं इसमें। फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, 1 मिनट इस तरह ही मिक्स करेंगे पीनट्स को। जैसे ही पीनट्स हमारी मिक्स हो जाएंगी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद थोड़ी देर चलाते रहेंगे जिससे गुड़ जलेगा नहीं और ठंडा भी हो जाएगा। जैसे ही ठंडा होता जाता है वैसे ही ये गाढ़ा भी होता जाता है। अब हम लड्डू बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिया है यहाँ पर 1 बाउल में ठंडा पानी, जिसको हम हथेलियों के बीच में लगाएंगे और लड्डू बनाएंगे। क्योंकि ठंडे पानी को लगाने से लड्डू चिपकते नहीं है हाथ पे और गर्म भी नहीं लगता है। अभी ये काफ़ी गर्म है, लड्डू फैल रहा है, तो हम 1 मिनट इसको और चलाते हुए ठंडा करेंगे। ये अब परफेक्ट हो गया है तो हम फिर से लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू सिंपली डो को हाथ में लेना है, हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाना है डो को, लड्डू बनते जाएंगे और सारे लड्डू हम इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें आप पीनट्स के लड्डू में आप चाहो तो सॉल्ट का पाउडर भी डाल सकते हैं, सर्दियों में उसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है इसके साथ। और चाहो तो काजू डालना चाहो तो काजू भी डाल सकते हैं। मैंने सिंपली बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल है, 2 इंग्रेडिएंट से बनाया, कोई घी का यूज़ नहीं किया है, किसी तेल का यूज़ नहीं किया। शाइनिंग परफेक्ट है। इसको बनाने के बाद थोड़ी देर काउंटर टॉप पर छोड़ना है जिससे ये ठंडे हो जाएं और चिपचिपे ना रहें। ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, कोई चिपचिप नहीं है और अच्छे से लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं।
बहुत ही आसानी से और झटपट से इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, जिसको हम मार्केट में काफ़ी कॉस्टली लेके आते हैं, घर पर बहुत ही कम दामों में बहुत सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई है। सिंपल सी चाशनी को हमको जब लगे कि हाँ ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है तो चेक कर लेना है। चाशनी को इतना टाइट नहीं रखना है कि जो पानी में डालने के बाद खट से आवाज़ आती, वैसा नहीं करना है, उससे एक स्टेज पहले ही बंद कर देनी है गैस को और पीनट्स डाल के अपनी मिक्स करना है और लड्डू बनाने हैं। सिंपल से लड्डू है, थोड़ी सी ट्रिक्स ध्यान में रख के आप लड्डू बनाइए, आपके परफेक्ट बनेंगे। और कमेंट्स करके मुझे बताने ना भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।